पाकिस्तान रेंजर्स ने मंगलवार को उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा जिले में नागरिक और रक्षा अधिकारियों की मौजूदगी में तेतवाल सेक्टर के माध्यम से सितंबर 2020 से अपने घर से लापता हुए 17 वर्षीय एक युवक को वापस ले लिया। विकास के लिए एक अधिकारी ने बताया है कि बांदीपोरा जिले के गुरेज के तरबल के निवासी गुलाम मोहम्मद गनई के पुत्र मोहम्मद सईद गनई को पाकिस्तान की सेना ने क्रॉसिंग प्वाइंट तेतवाल के माध्यम से वापस लिया है। देश भर की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। आज कोरोना के नए मामले जम्मू कश्मीर यूटी में 2030 आए हैं और 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं प्रशासन ने जगह जगह कैंप लगाकर लोगों की रैंडम टेस्टिंग कर रहे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए उपराज्यपाल प्रशासन ने इस पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और हर दिन कोई न कोई नई गाइडलाइन यहाँ पे जारी की जा रही है। भुखमरी के कारण कैफेटेरिया मोड़ के पास रामबन कस्बे के बाहरी इलाके में NH-44 अवरुद्ध हो गया है। घंटों से निकासी की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही सड़क साफ होने की उम्मीद है। गांव के नागरिकों के अनुसार उन्होंने बताया कि हम 15 दिनों से पानी की बुनियादी जरूरतों से वंचित हैं। जैसा कि रमजान का महीना चल रहा है, पवित्र महीने में लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गांव निहालपुरा के लोगों ने कहा है कि हम कुछ अधिकारियों के पास पहुंचे हैं कि हमें पीने के पानी की कमी है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब लोगों ने उसी का विरोध किया और प्रशासन से मामले को देखने का अनुरोध किया। जी, हम मुस्लिमाबाद निहालपुरा से है। पिछले 15 दिन से हमें पानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट है जो द्रंग से पानी वाटर सप्लाई आती है सीधा यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट में। वो कहते हैं वो नियर द चर्च फार्दर फ्रॉम द घाट, दूर दराज इलाकों से यहाँ से पानी जाता है, लेकिन हमें नज़दीक होकर यहाँ से पानी की सप्लाई से हम मुतासर है। आज मुतबरक महीना है, माह रमज़ान के महीने में हमें बच्चों को पीने का पानी मैसर नहीं। जय साहब कोई क्या कुछ नाम है उसका, जब मैंने उससे बात की, मैंने उसकी कॉल भी रिकॉर्डिंग रखी है, उससे 10 मिनट मैंने बात की आज से कुछ 8 दिन पहले। उसने वहाँ से बिल्कुल मुझे अवॉइड किया, इग्नोर किया। उसने बोला नहीं जी चलेगा वो कॉल परसों करके, जब से आज 15 दिन हो गए। मैं लाइला मौसम क्रिमा की कसम खा के कहता हूँ कि हमें बिल्कुल पानी नहीं है। घरों में देखिए हमारी टैंकियों से पानी लाते हैं, पर डे मैं 2000 रुपये का पानी लाता हूँ घर में। हमारी औरतें देखे, इनसे पूछे, किससे भी पूछे, यहाँ पे हमारे लोकल है, मुलाजिम है, वो बेचारे लोकल है, वो आते हैं काम करते हैं वो, लेकिन ऊपर जो अफसर बैठे AEE से मेरी अभी बात हो गई, अभी 10 मिनट पहले वो श्रीनगर में बैठ रहा है कि मुझे कोई ताजियत है घर में। हमारे यहाँ फिटर जो है इनके जेई साहब है, जेई बिल्कुल हमें इग्नोर करते हैं, ऊडी के जेई है। तो बिल्कुल मेरे ख्याल में पूरी वैली में ऐसी हालत कहीं नहीं होगी। बराबर जो इमाम जादू के साथ जो किया करबला में किया इन्होंने, बराबर हमारे साथ वही हाल है। 15 दिन से पीने का पानी नहीं है, तो नमाज पढ़ते वजू करते मस्जिद को हमें पानी नहीं है। जो किलोमीटर अड़न पे टोटल घरस आब, मगर यह ना जायज कह आब अस बंद गु आज माह मुबारक आज चल कहीं यह दौल खाई अख आब त्र ग खर्च आज अकिस इंसान दोस आबस 10 लीटर खर्च, मगर यह जायज कह त्रो आब मेहरबानी तो मेहरबानी कर त्रो आब مینس اس جناب لون مینس وانا اس دتا آب دما گچو انجینئرس انجینئرس وانا سچ دما گچو AEE وانا دما نیرو گچو گورنلس یم چھ کرن چھ نہ سنے کر آج گچ کن ودو آب آسنس کن ودو اکس گرس تھوڑا نلکہ پھٹ متن تم سین خاطر تمس پونس رٹکا کیا رٹکا کن وان دون دتو نا آب لون مینا وہ امر لون مینا ونس یو دبک ای ہاتھ تو سامان کیا تن چانن دبک اس پٹن دیوین تم کھٹ پٹن پہ ٹیم دبک تم آئی نیور بی کیا چھ اس ون اس موج تو یو سانے گھر من اس پ چل نہیں کی تو یو سانے گھر من تو چھ موقع پر اگر لیجن من آب اس دی جون آب بی ایم جیت کیا ونو یو تو چھ اس ون 179 BNCRPF
سوپور نے سیوک ایکشن پروگرام کے تحت فل منڈی سوپور میں آج ایک نشلک چکتسا شیور کا آیوجن کیا، جہاں یونٹ ڈاکٹروں دوارا نشلک چکتسا جانچ اور پرامرش پردان کیے گئے اور مفت دوائی دی گئی، پرتیرکشا بوسٹر ماسک سینیٹائزر بھی دے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 179 بی این سی آر پی ایف بھوشیہ میں بھی اس طرح کے کاریکرم عام جنتا کے ہت میں آیوجت کرتے رہیں گے اور کووڈ-19 مہاماری کووڈ پروٹوکول اور احتیاطی اپایوں کے بارے میں جنتا کو جاگرک کرتے ہوئے ان کی شانتی سمردھی اور سواستھ کی کامنا کریں گے۔ روگ کے پرسار کو کم کرنے کے لیے اپنایا گیا ہے 179 بٹالین کا کہ انہوں نے یہاں پہ یہ کیمپ لگایا، لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بہت ضروری ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ ماسک کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلیں، ایس او پیز کا خاص خیال رکھیں، غیر ضروری طور گھروں سے باہر نہ نکلیں کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں ایسا ہوتا ہے، لیکن شکر ہے کہ ابھی یہاں ایسا سسٹم نہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ ایس او پیز کا فالو کریں، گھروں سے باہر نہ نکلیں اور اس بیماری کو زیادہ بڑھنے نہ دیں۔ یہ ہمارا تیسرا میڈیکل کیمپ لگایا جا رہا ہے سوپور میں، اور اس میں وہی پھر سے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میڈیکل کیمپ کے دوران اپنا لابھ اٹھائیں اور جو بھی پرابلمس ہیں ڈاکٹر سے ڈسکس کریں اور تاکہ ان کو دوا اسی حساب سے مہیا کرایا جا سکے۔ اس میں ہر ایک کیمپ میں 250-250 کے آس پاس لوگ اس میں لابھانوت ہوتے ہیں، اور کہیں کہیں ضرورت کے انوسار اگر زیادہ بھی ہوتا ہے تو ہم لوگ زیادہ نہیں۔ بالکل، ہم آگے بھی جو میڈیکل کیمپ ہم لگائیں گے ان دیگر علاقے میں بھی لگائیں گے، اور جیسے جیسے لوگوں کا ہمیں سپورٹ ملے گا تو ہم زیادہ سے زیادہ ان کو۔ ہندوارا نردھارت مان دنڈوں اور نردھارت دروں کے الگھن کے لیے دکانداروں کو دوشی ٹھہرانے پر کڑی کاروائی کرتے ہوئے نیاب تحصیلدار اور کھاد ناگرک سیوائیں اور جے کے پولیس نیاب تحصیلدار ہندوارا شری بشیر احمد یدھ نے سماچار ایجنسی کو بتایا کہ تحصیلدار ہندوارا اور سارجنک وترن کے نردیش پر ایک بازار جانچ ٹیم نے اپنے ابھیان کو جاری رکھتے ہوئے ہندوارا کے بازاروں کی ویاپک جانچ کی۔ یہاں پر ہمیں شکایت ہو رہی ہے کہ یہاں پر یہ گاڑی جو ہے نا جو اس وقت یہاں پر لائر کی ہے، اور اس کی بل جو ہم نے دیکھی ہے جو پنجاب سے انہوں نے یہاں پر بل بھیج دیا 70 روپے۔ لیکن جو ایک بات اس میں یہ ہمیں مشاہدے میں آئی ہے جب ہم نے اس کی دیکھ لیا یہ چھان بین کی، تو یہ ایم ایس کوئی انٹرپرائز یہ ہے سری نگر کے نام پر یہ گاڑی وہاں سے آئی ہے، اور اب یہاں پر یہ گاڑی یہاں کا جو یہ بٹ پولٹری فارم کو یہ ہے وہ لے رہا ہے۔ اس لیے میں نے پولیس کو ہدایت دی کہ اس کو جو اس کی تاکیات کرے تاکہ جو یہ مال ہے یہ صحیح مالک کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ ہمیں شک ہوا گیا کہ یہ کوئی چوری کا مال ہے، اس لیے میں یہاں پر۔ دوسری بات یہ ہے جو اس وقت کورونا وائرس کا یہاں پر قہر چل رہا ہے، میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہاں پر جو ماسک کا جو استعمال کریں اور جو ڈسٹینس رکھیں، سوشل ڈسٹینس رکھیں، تاکہ جو اس وقت جو اس کووڈ کا قہر جو چل رہا ہے آپ تاکہ ہم یہ بچ جائیں گے۔ اس میں سر بوائلر کی ریٹ جو ہے اس وقت آپ یہاں پر مارکیٹ میں اس وقت کوئی مال اس وقت نہیں ہے پر، اور جو گورنمنٹ ریٹ ہے 125 روپئے ہے، لیکن جو مال ہے یہاں پر وہ غائب ہوا ہے۔ اگر کوئی بیچے گا مطلب چوری چھپے سے تو میں ان لوگوں سے ایک درخواست کروں گا کہ وہ 125 روپئے تک ہی خرید لیں، اور جو یہ لائر جو ہے جو اس کا قیمت جو ہے یہ 70 روپئے ہی خرید لیں۔ لوگ جب خود اس کے لیے سامنے آئیں گے تو ریٹ جو ہے نا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ریٹ پر قابو ہم پائے جا سکتے ہیں۔ ہاں میں آپ کو سر ایک اور بات یہاں پر کہہ دوں گا کہ جب ہم کسی کو پکڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے اس سے نہیں لے لیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ابھی تو اس کو پیسے ہی نہیں دے دی۔ اس لیے لوگوں نے بھی کوئی کہیں نہ کہیں یہ گناہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں گناہ ہے، جس سے جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو عمل درآمد کرنے میں بہت دقت آ جاتی ہے۔ میں لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ کسی کو مت چھپائے، جو ہوگا یا کوئی اور چیز ہوگا کہ اس کو مت چھپا دیں۔ اس کو میں نے کہہ دیا کہ اس کی چھان بین کریں تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ صحیح مالک کو آئی ہے یا غلط مالک، یہ غلط سوچتے ہوں آپ۔ اگر ہم سوچیں گے ہمارے بچے جو ہیں جب اسکول یہاں پر بند ہو گئے، جب یہاں پر کوچنگ سینٹرز بند ہو گئے، جب یہاں پر یونیورسٹی ڈگری کالج بند ہو گئے،
जब यहाँ पर कोई तकरीब होगी या कोई जनाजा होगा, 20 आदमी 25 आदमी तक वहाँ पर 20 आदमी जा सकते हैं वहाँ पर। और जो जब कोई बड़ी मतलब कहें प्राइवेट कोई तकरीब 50 आदमी इसके उस पर ये महदूद रखी गई है। जब गाड़ियों में सफ़र करने वाले जो है वो सोशल डिस्टेंस में आ गए, जो गाड़ियों में जब नाव के बंदे जब साथी सवारियाँ सोमन वगैरह भी उसके आदेश हो गए, तो लोग जो है ना मुझे लगता है कि लोग इसे बहुत हल्का समझते हैं इस बीमारी को। उनको ये सोचना चाहिए कि जो इस वक्त कश्मीर में जे एंड के यूटी में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है या तमाम मुल्क में हो रहा है इस कोविड बीमारी से, उनको ये सोचना चाहिए कि जब तक ये बीमारी है तब तक गवर्नमेंट इतनी पागल नहीं थी कि वो ये कहते कि ये हो। और ये जो इसके जो खमियाजा जो अगर पड़ेगा देखना होगा तो वो उसी को पूछ लें जिनके घर में ये कोविड 19 का केस आया। उपायुक्त कुपवाड़ा इमाम दीन ने आज हंदवाड़ा सब डिवीजन का दौरा किया। जिला अस्पताल और हंदवाड़ा सब डिवीजन के कई बाजारों का निरीक्षण किया गया है। उनके साथ पुलिस अधीक्षक हंदवाड़ा संदीप गुप्ता, अतिरिक्त उपायुक्त हंदवाड़ा नजीर अहमद मीर, राष्ट्रपति मुनिपाल कमेटी हंदवाड़ा मसरूर अहमद, प्रेसिडेंट ट्रेडर्स फेडरेशन हंदवाड़ा और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने जिला अस्पताल हंदवाड़ा का निरीक्षण किया है और आपातकालीन वार्ड और ट्रामा रूम सहित अस्पताल के कई अनुभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से बातचीत की और उन्हें अस्पताल प्रशासन द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली है। सबसे अच्छे हैं वो डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट साहब, सबसे अच्छे रात रात के 11 बजे भी गेट पे खड़ा हम देखते हैं। इंसान को द्वारा वहाँ का भी हमने सरप्राइज विजिट अभी किया, तो आपका हॉस्पिटल जो है आपके वहाँ पे सुप्रिंटेंडेंट जो है डॉक्टर साहब वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, खुद भी डेडिकेटेड है और वो स्टाफ से काम भी ले रहे हैं और आपको एक्सपेक्टेशन वो चल रहा है। थोड़ी सी खामियां जो पॉइंट आउट की हमने वहाँ पे रिगार्डिंग हाइजीन एंड अदर सैनिटेशन वगैरह, जो हमने उनको मौके पे ही डायरेक्शन दे दी और उसमें वो इम्प्रूवमेंट करेंगे और हम देखेंगे कि आगे जो है हर फील्ड में इम्प्रूवमेंट आएगी। और एक बार फिर मैं आपके द्वारा और आपके माध्यम से लोगों को इल्तिजा करता हूँ कि कोविड के SOP जो है जरूर फॉलो करें। अनंतनाग वाली मोहम्मद वानी ने ऑनलाइन हिंदुस्तान समाचार पर सहायता निदेशक खाद्य और नागरिक आपूर्ति के बारे में बताया। जॉइंट ये इंस्पेक्शन किया है अपने मेन टाउन में अनंतनाग में, पहले 3 दिन पहले ही हमने ये काम करना शुरू कर दिया था, जबकि हमारा सुगाड़ हमेशा मार्केटिंग पर होता रहता है। 2 सुगाड़ हमने बनाए हैं डिस्ट्रिक्ट में, दोनों सुगाड़ हर रोज चेकिंग पर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट भी बड़ा है तो चेकिंग हो रही है। तो ये तो स्पेशली डी साहब ने सुगाड़ बनाया है जॉइंट सुगाड़, तो काम चल रहा है इंशाल्लाह रहमान। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को फायदा पहुंचे, किसी को कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम न रहे। सर हाल ही में वो जो भट्टों में ईंटें होती है उनकी रेट मुकम्मल फिक्स हुई थी 21,000 कुछ, तो फिर भी अभी चंद अभी शिकायतें मौसूल हो रही है कि रेट ज़्यादा अभी भी वहाँ से मिल रही है। आपको ये बखूबी वाकफियत है कि जो रेड हमने 5-6 दिन हमने कंटिन्यू रेड डाली थी, तो 8 ब्रिक किलनों को हमने सीज किया था, इसके अलावा बाकियों को हिदायत भी दी थी। तो बाद में इन्होंने जो इनकी एसोसिएशन है, एसोसिएशन ने कोर्ट का कुछ लिख कर लाया है डी साहब के पर कि हमें नज़रसानी कीजिए रेट में, तो इसलिए इस पर डी साहब ने फिर एक कमेटी तश्कील दी है। 16 तारीख को एक आर्डर निकला है, उसमें लिखा है कि 5-6 दिन के अंदर अंदर ये एनालाइज करें फिर से, तो देखेंगे। उसने उनको अश्योरेंस दी है कि अगर इसमें कुछ फर्क होगी तो मैं वो दूर करूँगा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2-3 दिन तक ये रेट में देखेंगे हम क्या चलेगा या यही रहेगा, तब तक ये बात है। बड़गांव पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर घोषणा करते हुए लोगों को बताया कि 50% बाजार रोज खुलेंगे और लोगों को समझाया कि जरूरी काम पर ही बाहर निकले। दुकान वाले
चेयर परिषद जिला विकास परिषद पूंछ तजीम अख्तर ने जिला पूंछ के लोगों से अपील की है कि वह अपनी दूसरी लहर में कोविड 19 मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करें। पूंछ की आवाम को मेरा अदा। मैं अपनी आवाम को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि कोविड जो है पिछले साल से इस साल ज़्यादा जोर पे है, तो मैं यही उनको कहना चाहूँगी कि जितना हो सके खुद को सेफ रखें, अपनी फैमिली को सेफ रखें, क्योंकि खुद को बचाओगे तो घर वालों को भी बचा सकोगे। इसमें मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखें, गैदरिंग वगैरह का ट्रैवलिंग का अननेसेसरी ट्रैवलिंग नहीं करने, तो जो मास्क का है वो सैनिटाइज़र का डेली यूज़ करें और खुद को बचाएं, खुद को सेफ रखें, अपनी फैमिली को भी सेफ रखें। डीसी कार्यालय कुलगाम में सीआरपीएफ 18 बीएन द्वारा मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। अठारह बटालियन सीआरपीएफ की तरफ से मेडिकल कैंप लगाया गया है। पहले भी इस तरह के कई मेडिकल कैंप्स आयोजित किए गए हैं जिले भर में, तो हमारा तात्पर्य, हमारा मकसद यही है कि एक तो पब्लिक के साथ हमारा जुड़ाव हो सके, और दूसरा जो आज के समय में सभी लोग जान रहे हैं कि किस तरह का माहौल चल रहा है, तो जो ज़रूरत की दवाइयां हैं, जिन लोगों को कुछ क्रोनिक बीमारियां हैं, उनमें उनका सही तरीके से वितरण किया जा सके, यही हमारा भी प्रयास है और सरकार की तरफ से भी यही गाइडलाइंस हैं, तो यही हमारा तात्पर्य और यही हमारा मकसद है।